हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज फ्रेंड्स हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट होता क्या है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को लिखते हैं कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस टाइप से लिखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लिख रहे हैं जनरल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जनरल फॉर्म को हम ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। अब जो नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन केसेस है। देयर आर फॉलोइंग थ्री केसेस। तीन केसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला फर्स्ट केस जो होता है, केस वन, इफ डी डी इज इक्वल टू डी, डेट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डी जो है होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। इफ डी इज इक्वल टू b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स ये वैल्यू 0 से यदि ग्रेटर होती है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। तो रूट्स कैसे होते हैं, मतलब जो एक्स की वैल्यू कैसी होती है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में लिखा जाता है रूट्स आर रियल, जो रूट्स है रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, टू अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट होती है, डिस्टिंक्ट होते हैं। सेकंड केस फ्रेंड्स ये बोलता है इफ डी इज इक्वल टू b² - 4ac, जो डी की वैल्यू b² - 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, 0 से यदि छोटी हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब क्या होता है, तब होता है रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी बोल सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं एंड नॉट रियल, या फिर आप लिख सकते हैं रियल नहीं है, या तो इमेजिनरी बोल सकते हैं या फिर बोला जा सकता है कि रूट्स आर नॉट रियल। थर्ड केस होता है फ्रेंड्स, थर्ड केस इज इफ डी इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करके 0 के इक्वल आ रही है, तब बोला जाता है रूट्स आर रियल, जो एक्स की वैल्यू होती है वो रियल होती है एंड इक्वल इक्वल होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो होता है d² = b² - 4ac। इसी से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर को पता कर सकते हैं। फर्स्ट केस ये है कि b² - 4ac का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट। सेकेंड केस बताता है कि डी की वैल्यू जो है b² - 4ac 0 से छोटी है, 0 से लेस होगा, तब होते हैं रूट्स आर इमेजनरी या फिर नॉट रियल बोलते हैं। थर्ड है इफ डी इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तब बोला जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डैट मीन्स जो एक्स की दो वैल्यू निकलेगी वो रियल होगी और इक्वल होगी।